नमस्ते मित्रों, ए प्लेस टू विजिट में आपका स्वागत है। गुजरात के फेमस स्पॉट के बारे में आज हमारा ये तीसरा पार्ट है। आज मैं आपको सूरत, सोनगढ़ और भुजिया किले के बारे में बताऊंगी। आगे के पार्ट आप मेरी चैनल पर जाके देख सकते हो। आप यदि मेरी चैनल पर नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बाजू में लगे हुए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए पहले हम जानते हैं सूरत फोर्ट के बारे में। सूरत का किला प्राचीन वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। इस किले को मुगल काल में बादशाह फिरोज तुगलक ने भीलों के हमले से सूरत शहर की हिफाजत करने के लिए बनवाया था। तब यह किला छोटा था। बाद में ब्रिटिश शासन काल के दौरान भी किले में कुछ और निर्माण किए गए। सूरत के मनपा प्रशासन ने इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में लिया और इस फोर्ट की सूरत बदल दी। हालांकि इस किले के प्राचीन स्वरूप को बरकरार रखा गया है। मुगल काल के तोपखाने और खजाने के साथ यहां पर कई और प्राचीन निर्माण आकर्षण का केंद्र होंगे। इस किले में कई कमरों में सुरंग होने का पता चला है और यहां पे गुप्त रास्ते भी है, पर अब भी वो पहेली है। यहाँ पे किले के इतिहास की जानकारी देने के लिए लाइट एंड साउंड शो भी रखा गया है। एक बार तो इस किले को जरूर देखना चाहिए। आइए अब जानते हैं सोनगढ़ किले के बारे में। 300 साल पहले बने हुए इस किले का नाम भी महत्व रखता है। सोनगढ़ यानी कि सोने का किला। इस किले का निर्माण गायकवाड़ डायनेस्टी के प्रथम किंग पिलाजी राव ने बनवाया था। ये किला एक पर्वत की चोटी पर स्थित है जो गुजरात महाराष्ट्र के बॉर्डर पर स्थित है। फोर्ट तक पहुंचने के लिए आपको 100 कदम चढ़ने पड़ेंगे, उसके बाद उसका पहला गेट आता है। यहाँ के स्टेप थोड़े मुश्किल है, लेकिन यंगस्टर के लिए ये एक एडवेंचर है। उसके बाद और 50 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दूसरा गेट आता है। इस गेट के दोनों साइड बड़े बड़े बुर्ज है जहाँ से दूर तक वॉच रखी जाती थी। यहाँ पे भगवान शिव जी का प्राचीन मंदिर भी है और किले के मध्य भाग में एक महल होगा, ऐसा अनुमान लगा सकते हो। आइए अब जानते हैं भुजिया किले के बारे में। ये किला कच्छ क्षेत्र के भुज की सरहद पर स्थापित है। आज इस किले को भुजंग नाग मंदिर की वजह से जाना जाता है। कच्छ के सम्राट एक रक्षक किले का निर्माण करवाना चाहते थे, जिससे उनकी राजधानी को मुगल, राजपूतों और सिंधु शासकों से रक्षा हो सके। इसलिए प्रथम राव गौड़ जी ने इस राजसी पहाड़ी किले का निर्माण करवाया, जहां से वे आराम से अपने दुश्मनों पर नजर रख सकते थे। बाकी किलों की तरह इस किले पर भी कई आक्रमण हुए। लगभग इस किले में 6 युद्ध लड़े गए ऐसा कहते हैं। नागों के सरदार राजा भुजंग के नाम पर इस किले का नाम भुजिया किला और यहाँ की पहाड़ी को भुजिया पहाड़ के नाम से जाना जाने लगा। यहाँ के निवासियों ने भुजंग की याद में एक मंदिर बनाया जो आज भुजंग नाग मंदिर के नाम से प्रख्यात है। भुजंग नाग मंदिर भुजिया फोर्ट में आकर्षण का केंद्र है। आज़ादी के बाद भुजिया किला भारतीय सैनिकों के अधीन हो गया था। यहाँ पे नागपंचमी के दिन खास पूजा होती है और मेला लगता है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए मेरी चैनल में।